से और ये पूरा बंद हो चुका है, तो इस तरीके से मिलता है। कोशिश करेंगे कि एक आध दिन में यहाँ पे आया आके ब्लॉगिंग व्लॉगिंग देखते हैं। जय श्री श्याम। हाँ जी, उठने में हो गई है देरी, तो सोचा नहा धो के हो जाए रेडी। अब हम रेडी हो चुके हैं, नहाए धुली हैं, बाल ऐसे मैसी मैसी से हो रहे हैं, रावट बालों को कॉम करते हैं और रेडी होते हैं अपने और निकलते हैं अपने काम पर। इतनी गंदी हो रही है, पाप रहे मैं ग्लव्स भी ना पहन रखे। तब तक के लिए आई गाड़ी स्लिप मार गई अभी, नहीं चोर की स्लिप मारी ना गाड़ी ने, क्या बताऊं। अरे यहाँ से लेंगे, हाँ लग रहा है जाम, तो कोशिश करेंगे कि यहाँ से चलेंगे। मालूम मेरे मोबाइल माउंट में ये दिक्कत है, कोई भी कॉल वगैरह आता है तो वहीं पे रिकॉर्डिंग जो है स्टॉप हो जाती है। अब मैंने क्या किया है, मोबाइल को कर दिया है एकदम फ्लाइट मोड पे और बढ़िया सी अब इसकी रिकॉर्डिंग बन जाएगी, जहाँ तक मेरे को जाना है वहाँ तक की इसकी पूरी रिकॉर्डिंग बन जाएगी। अच्छा, हमको सिखा दिया है तो सीधा घर से जा रहे हैं सीधा फैक्ट्री पर। वैसे ये सब लगाने पर रिएक्शन तो मिलते हैं, सही हिसाब से रिएक्शन मिलते हैं। अब अपनी बाइक वाइक आ जाएगी जल्दी, तो फिर उस पर तो और ही तगड़े रिएक्शन आएंगे। और कौन सी बाइक लेंगे, क्या लेंगे, ये तो जब लेंगे तभी मालूम पड़ेगा। स्कूटी का मज़ा स्कूटी पे है, बाइक का मज़ा बाइक में है, हर चीज़ का मज़ा अपना अलग अलग होता है। बात तो सही है। तो गर्मी इतनी पड़ रही है, ऊपर से मैंने इतना भारी मैंने हेलमेट लगा रखा है, हालत ही ख़राब हो रही है। चलते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है, हवा आती रहती है बढ़िया तरीके से, लेकिन कहीं भी रुक जाओ तो बड़ी हालत सी ख़राब हो जाती है रुकने पर। घर का कोई सीन बहुत ही जल्दी प्लान करेंगे, कोई ना कोई एक प्लान ज़रूर करेंगे। ए गाइस, ये देखो ऑफ रोडिंग हो गई अपनी स्कूटी से आज तो, और आई श्योर कि लास्ट टाइम ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो आज ये रिकॉर्ड हो चुका होगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक यूट्यूबर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है। तो देखो 15 GB की फाइल अभी अपलोड करी है 14 तारीख की, और ऊपर से अगर इसको करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ तो ये देखो 13 GB की फाइल ही है, करीब करीब 28 GB की फाइल एक पड़ी है। ऊपर से मैं आपको दिखाऊं, तो 1.3 GB यहाँ दिखा रहा है और अभी मेरे को उसमें से USB ड्राइव में गए 15 में गए सिलेक्ट ऑल में गए और अल्टरनेटिव एंटर दबाओ इसमें। गाइस थोड़ा सो जल्ला मैं आपको दिखाता हूँ, रुको जरा सबर करो। ऑलमोस्ट ये मेरा हाल है, तो थोड़ी थोड़ी बस स्पेस बची है और ये भी 3 से 4 दिन के अंदर, मैं समझ सकता हूँ 3 से 4 दिन के अंदर ये भी पूरी फुल हो जाएगी। तो अभी मेरे को एक कम से कम 4 TB के हार्ड ड्राइव मेरे को लेनी पड़ेगी ताकि मैं अपना कम से कम एक 2 महीने का डाटा उसमें सेव कर सकूँ। हैं आप सब लोग अब चल रहे हैं किसी अच्छी जगह पे, शायद तो आपने थंबनेल देख के पहचान गए होंगे कि मैं किस जगह जा रहा हूँ, या फिर अभी आपको थोड़ी ही देर में मालूम पड़ जाएगी कि मैं एक्चुअल में कहाँ जा रहा हूँ। अगर थंबनेल देख के ही समझ गए हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलो चलते हैं, रात का समय तो ग्लव्स वगैरह कुछ पहने हैं नहीं है। रोड तो इतना बढ़िया बना दिया है यहाँ की गवर्नमेंट ने, मज़ा डाल दिया।
पहले बना ये रोड बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ सी थी, अब ये रोड एकदम बढ़िया हो गई है। आज लाइटिंग हो नहीं रही है, वरना यहाँ की लाइटिंग होती है। अगर कोशिश करेंगे लौटते समय आएंगे तो इसी रूट से आएंगे, अगर लाइटिंग मिलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस लोचा हो गया, हम यहाँ माँ वैष्णो देवी में आए हुए थे और ये हो चुका है अब बंद। यहाँ मैंने पहले कहा था कि यहाँ पे जो रूल्स और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, अब ये पूरा बंद हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से दिखता है, अब कोशिश करेंगे कि एक आध दिन में हाँ यहाँ पे आए आके ब्लॉगिंग देखेंगे। हुआ ऐसा, वैष्णो देवी तो बंद था और अभी हम आ गए हैं प्रियकांजू मंदिर में। चलो आज आपको प्रियकांजू मंदिर दिखाया है।